स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के बिल ऐप में त्रुटि होने से एक ओर जहां विभाग को लाखों का नुकसान हो रहा है, वहीं इस महीने से इंस्टॉलमेंट बिलिंग पर रोक लगाए जाने से गरीब उपभोक्ताओं को खासे परेशान होना पड़ रहा है। स्थिति ऐसी बन गई है कि पैसे जमा नहीं करने से उनकी लाइन तक काटने का फरमान जारी हो चुका है। आपको बता दें कि सरकार ने बिलिंग को दुरुस्त एवं सरल बनाने के लिए मैनुअल बिलिंग के साथ साथ एटीपी मशीन की सुविधा प्रदान की थी, जिससे ग्राहक लंबी कतार में लगने के बजाय एटीपी मशीन के माध्यम से पैसा जमा कर सकते थे। इसमें यह भी सुविधा थी कि मुफ्त पैसा जमा ना कर अपनी सुविधा अनुसार इंस्टॉलमेंट में बिल जमा कर सकते हैं, क्योंकि विभाग के द्वारा निर्गत नियम के अनुसार 5000 से ऊपर बिल होने पर उनका लाइन काट दिया जाएगा। ऐसे में यह सुविधा ग्राहकों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही थी, लेकिन मार्च महीने में जब ग्राहक पैसे जमा करने गए तो उन्हें बताया गया कि पूरा राशि जमा करना होगा, अब इंस्टॉलमेंट पर पैसा जमा नहीं ली जाएगी। इसकी जानकारी के बाद अब वैसे उपभोक्ता परेशानी में आ रहे हैं जिनका 5000 के लगभग इस महीने बिल आया था। अब वे या तो पूरी बिल जमा करें या फिर लाइन काटने का इंतजार करें। इस बारे में एसडीओ छोटा गोविंदपुर सब डिवीजन के आरबी महतो ने बताया कि पूरी समस्या बिलिंग ऐप के डाटा के वजह से हो रही है। इस डाटा के त्रुटि होने के कारण उन्हें लाखों का नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने विस्तार से बताया कि पूर्व में बिलिंग ऐप SIRT के माध्यम से होती थी, जिसमें सारा बिलिंग उपभोक्ताओं के साथ ही विभाग में भी अपडेट हो जाता था, लेकिन जैसे ही दिसंबर 2021 में HCL के माध्यम से बिलिंग होने लगी तो डाटा की त्रुटि के वजह से अपडेट की समस्या उत्पन्न हो गई। पहले 2000 उपभोक्ता के माध्यम से प्रत्येक माह ऑनलाइन 35 लाख का बिल भुगतान हुआ करता था, लेकिन डाटा त्रुटि होने के कारण अब मात्र 1000 से 3000 रुपए में सिमट गई है। इसकी वजह यह भी है कि उपभोक्ता ऑनलाइन बिल का भुगतान करते हैं तो उन्हें ट्रांजैक्शन का किसी भी तरह का अपडेट उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। यह समस्या विभाग के ऑनलाइन प्रक्रिया में भी हो रही है, जिस वजह से कस्टमर इस असमंजस के साथ आशंकित होने लगे हैं कि उनका पेमेंट वाकई विभाग को मिला है कि नहीं। इसी वजह से अब ग्राहक ऑनलाइन बिलिंग नहीं कर रहे हैं और इसी कारण से इंस्टॉलमेंट में बिल रिसीव की प्रक्रिया को भी इस महीने से रोक दी गई है। SDO ने आशा जताई कि जल्द ही इस त्रुटि का समाधान करते हुए पूर्व की तरह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अभी जो भी पहले लगा हुआ था सॉफ्टवेयर, जो भी ATP मशीन लगा हुआ था, अभी कुछ चेंज हुआ है, अभी नए में दूसरे ATP लगा। इस ATP मशीन में कोई पार्ट पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। जो भी पेमेंट हो रहा है, टोटल जो भी ड्यूज है उसमें आ जा रहा है, तो वो ड्यूज पेमेंट पूरे जमा करेंगे तभी मशीन एक्सेप्ट करेगा, और यदि उसमें एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है तो हम लोग उसके लिए अलग काउंटर खोले हुए अपने सब डिवीजन ऑफिस में, और जिनका भी पार्ट ऐसे है, मजबूरी है, नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो हम अपने यहाँ काउंटर से उनके पैसे को ले रहे हैं। लेकिन पैसा हर किसी से जो भी जमा कर रहे हैं उस पैसे को पार्ट वाइज करके, चेक दे करके, या जैसे हो हम लोग पेमेंट ले रहे हैं। ATP मशीन में अभी यह सुविधा नहीं दिया गया, जिससे कि हमारे यहाँ 4 ATP मशीन लगा हुआ है, चारों में कहीं भी पार्ट पेमेंट नहीं हो पा रहा है। अभी कुछ और इशू आ रहा है, जैसे ऑनलाइन इशू आ रहा है कि ऑनलाइन जो पेमेंट पहले होता था, क्योंकि ATP मशीन हो, काउंटर हो, लोग भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते थे। हमारे यहाँ जब पहले SRIT थ्रू बिलिंग हो रहा था तो उस समय लगभग पिछले साल से इधर एवरेज देख रहा तो लगभग 2000 कंज्यूमर ऑनलाइन पेमेंट करते थे। इस ऑनलाइन पेमेंट में लगभग अमाउंट 35 से 40 लाख रुपया एवरी मंथ आता था, लेकिन आज के डेट में जो HCL डेटा में इस तरह से कुछ खामियां आ रही है कि लोग ऑनलाइन पेमेंट, एक तो ऐप हर ऐप में नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग जमा भी किए हैं तो एडजस्टमेंट में अभी समय लग जा रहा है, जिस वजह से लोगों का पता नहीं, ऑनलाइन पेमेंट घट करके सिर्फ 5 या 6 आदमी ही 6 उपभोक्ता ही ऑनलाइन पेमेंट कर जाए, जिसकी राशि लगभग 1.5 से 2000 पर आ गया है। इस तरह से ऑनलाइन पेमेंट में भी काफी हरास आया है। आगे इसके लिए क्या आप लोग सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं? अभी इसमें बात हो रही है, हेडक्वार्टर से भी बात हुई है, इस ऐप में कुछ और नए डेवलप हो रहा है, जिससे कि जो अभी ऑनलाइन पेमेंट का स्टेटस है इसमें काफी सुधार होने की संभावना है, और इससे लोगों का विश्वास
बढ़ेगा और लोग जमा करेंगे। इंस्टॉलमेंट के लिए जो बात हो रही है, दिक्कत आ रही है, उसको कितना कब तक सुधार हो जाएगी उसमें? इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग बात किए हैं हेडक्वार्टर में भी, तो लगता है कि इस मंथ तो नहीं, अगले मंथ या इस महीने में भी हो सकता है। चूंकि हेडक्वार्टर में भी ऐसा हर जगह से शिकायत जा रहा है कि एटीपी मशीन में ऑनलाइन एटीपी मशीन में जो भी पैसा जमा हो रहा है वो इंस्टॉलमेंट में जमा नहीं लिया जा रहा है। शिकायत गई है हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर से ऐसा निर्देश सुनने को मिल रहा है कि बहुत जल्द ही एटीपी मशीन में भी पार्ट पेमेंट होगा। कुल मिला के डाटा का ही प्रॉब्लम आ रहा है। जी हाँ, डाटा का इशू आ रहा है जिस कारण से। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।